हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लखनऊ का सुबह बाजार चैनल। आज हम आए हुए यादव डेयरी फार्म पर और यहां से दिखाएंगे कुछ गिर गाय जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। एक एक गाय के बारे में डिटेल से जानकारी दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो की मैं जानकारी लें। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बार पुनः अपने फार्म पर 2 महीने बाद जो है गिर जो है भारी भरकम गुजरात की टॉप क्वालिटी की भावनगर ब्रीड की गाय अपने पास फार्म पे आने लगी है और अब बराबर अपने फार्म पे जो है ये टॉप क्वालिटी की गिर उपलब्ध रहेगी। अब गुजरात और राजस्थान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूपी और बिहार झारखंड पड़ोसी प्रदेश के लोगों को। तो अब जो गाय मिलेगी अपने पास वो टॉप क्वालिटी की भारी भरकम गाय मिलेगी, क्योंकि अधिकतर लोगों की मांग रहा करती थी कि हमें जो है जेन्युइन जोरदार जो है अच्छी गाय चाहिए। तो ऐसी भारी गाय जो है 14-15 लीटर 18 लीटर की गाय जो है अपने पास गिर में मिलेगी। तो आज कितनी गाय उपलब्ध है? आज अपने पास जो है लगभग 8 गाय उपलब्ध है। 8 गाय? 8 गाय उपलब्ध है। सभी गिर? जी सभी गिर है। तो चलिए पहले गाय दिखाते हैं। जी ये देखते हैं आप लोग पहली गाय। तो भैया इसकी अटेल हुई? ये भैया अभी बच्चा दी है, बच्चा और स्वर्ण कपला बछड़ा दी है, प्योर स्वर्ण कपला बछड़ा है जी। कल ही बच्चा दी है इसने। ब्यात में कौन सा है? ब्यात में इस बार जो है दूसरी बार है, दूसरे ब्यात में बच्चा दिया इसने। तो ये देखते कल ही बच्चा दिया इसने, दूसरे ब्यात में इस बार ही। ये देखते प्योर गिर है। ये देख। तो दूध क्या उम्मीद करते इससे? दूध जो है बछिया ये मान के लिए भैया लगभग 14-15 लीटर दूध करेगी। 14-15 लीटर दूध करेगी। तो ये देखते बछड़ा प्योर स्वर्ण कपला है। बछड़ा को जन्म दिया? बछड़ा। ये देखते दुहान थन ऑर्डर, थन की क्वालिटी सफाई सभी बहुत जोरदार है, साफ सुथरा। ये देखते ऑर्डर कितना भारी बना है। ये देखते काफ़ी बेहतरीन प्योर गिर बछड़े को जन्म दिया, स्वर्ण कपला बछड़ा है इसका। ये देखो प्योर गिर है। तो ये देखते आप लोग अगली गाय। तो भैया इसकी क्या डेली? ये इस बार जो है दूसरी बार ये भी जो है बच्चा देगी। ये दूसरी बार बच्चा और लगभग अभी 10 से 12 दिन का समय ले लेगी बच्चा देने में। तो ये भैया दूसरे ब्यात में इस बार? दूसरी बार में बच्चा। टाइम कितना लगेगी बच्चा करने में? बच्चा करने में लगभग जो है 10-12 दिन का समय ले लेगी। लगभग 10-12 दिन का समय लेगी जी। तो ये देखते ये दूसरे ब्यात में इस बार लगभग 10-12 दिन का समय लेगी। ये देखो काफ़ी बेहतरीन गाय। ये देखो दूध क्या उम्मीद करते हैं भैया इससे? दूध भैया जो है लगभग जो है ये दूध करेगी 13-14 लीटर। 13-14 लीटर दूध कर देगी जी। तो ये देखते भैया बता रहे 13-14 लीटर दूध आराम से कर देगी। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन गाय दूसरे ब्यात में ये बच्चा देगी जी। ये देख दूसरे ब्यात में बच्चा देगी। सभी भारी हम्प की लंबी गाय जी, सभी थनों का गैप, थन की सफाई बहुत ही बेहतरीन है जी। ये देख एकदम सीधी शांत गाय है जी। ये देख प्योर गिर है ये। ये देखते हैं आप लोग अगली गाय। तो भैया इसकी गाय टेल? ये पहली बछिया है, रडार सिंह है। पहली बछिया है जी, बाहर को सिंह एकदम बेहतरीन जी, कान क्वालिटी, मत्था सिंह, हम्प जी, थन सभी बेहतरीन है, एकदम शानदार। ये पहले ब्यात में बच्चा देगी? इस बार जो है ऐसा भारी लॉट आया है जी। टाइम कितना लगेगी बच्चा? टाइम बच्चा करने में लगभग 10-12 दिन का समय भी ले लेगी। लगभग 10-12 दिन का समय जी। तो ये देखिए काफ़ी भारी भरकम गाय, ऑर्डर देखते कितना भारी बना हुआ है। ये देखिए सिंग देखिए, मत्था पूरा जो है एकदम शानदार। ये देख हाइट देख कितनी ऊंची गाय है। ये देख प्योर गिर है। अरे छोड़ो जी। ये देख गुजरात से आई हुई ये सभी गाय एकदम सीधी शांत गाय है। ये पहला बछिया है। ये देख टाइम कितना बताएं भैया लेगी? टाइम जो है लगभग जो है भैया मान के लिए जो है 10-12 दिन का समय ले लेगी। 10-12 दिन का समय लेगी जी। तो ये देखो हाइट देखते हैं कितनी भारी भरकम गाय है और कितनी शांत गाय है, प्योर गिर है ये, गुजरात से आई हुई। ये देखते हैं आप लोग अगली गाय। तो भैया इसकी क्या टेल हुई? ये जो है भैया गिर है, ये भी एकदम टॉप क्वालिटी की प्योर गिर, टॉप क्वालिटी की। ये देखो ब्यात में कौन सा इस बार? ब्यात में इस बार जो है भैया ये दूसरी बार बच्चा देगी। दूसरी बार बच्चा जी। टाइम कितना लेगी भी? टाइम अभी बच्चिया जो है लगभग ये मान के लिए 15 दिन का समय ले लेगी। लगभग 15 दिन का समय लेगी। तो ये देख ब्यात में कौन सा बताए? ब्यात में दूसरा। दूसरा ब्यात में दूसरा है और ये 15 दिन का समय लेगी। सभी गुजरात की जो है ब्रीडदार गाय है तो सभी का जो है सींग जो है जी थोड़ा बड़ा है, लेकिन इतना सींग जो है यही जो है इनकी क्वालिटी की जो है पहचान है जी। गिर की यही पहचान है कि सींग बड़ा होता है। ये देख
काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी भारी भरकम प्योर गिर गुजरात से आई हुई है। और ये दूसरे ब्याज में बचा करेगी, टाइम कितना बताएं? टाइम जो है भैया लगभग ये मान के लिए जो है 10-12 दिन का समय, 10-12 दिन का समय लगेगी लगभग 10-15 लीटर। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन। तो दूध क्या उम्मीद करते हैं इससे? दूध जो है करेगी 14 लीटर दूध करेगी, 14-15 लीटर। सभी गाय जो आज हमारे पास फार्म पे उपलब्ध है गिर की, सभी भारी भरकम दूध की गाय हैं, 14-15 लीटर की गाय हैं। जी जी, ये देख 14-15 लीटर दूध भैया बता रहे हैं, आराम से कर देगी। ये देख बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी भारी भरकम गाय, दूध 14-15 लीटर आराम से कर देगी। ये देख ऑटो देख, ये देख भारी भरकम गाय। ये देखते हैं आप लोग अगली गाय, तो इसकी क्या डेल भैया? ये भी जो है भैया इस बार जो है दूसरी बार बच्चा करेगी। जी, पूंछ जमीन को टच करती हुई, थनों का गैप, बॉडी वजन सफाई बहुत ही शानदार। जी, ये देखिए ऑर्डर देखिए कितना भारी बना है। टाइम कितना लगेगी बच्चा करने में? 10 दिन का समय लेगी। जी, तो ये देख काफ़ी हाइट दर, काफ़ी भारी भरकम, 10 दिन का समय लेगी। दूसरे बैच में इस बार प्योर गिर टॉप क्वालिटी की गुजरात से आई। ये देखिए, तो दूध क्या उम्मीद करते हैं इसे? दूध करेगी 14-15 लीटर। 14-15 लीटर दूध कर देगी। ये देख 14-15 लीटर दूध आराम से कर देगी। देखिए पूंछ जमीन को टच करती हुई, ये देखिए ऑर्डर देखिए, थनों का गैप, ये देख काफ़ी बेहतरीन भारी भरकम गाय। ये देख प्योर क्वालिटी। ये देखते आप लोग अगली गाय, तो भैया इसकी क्या डेल है? ये भैया 6 दांत की बछिया है। 6 दांत की? जी, ब्यात में? ब्यात में दूसरा है अभी, दूसरा है जी। तो ये देखते 6 दांत की, ये प्योर लीलड़ी है। प्योर लीलड़ी जी। ये देख बहुत ही शानदार, एकदम क्वालिटी में, लंबाई में जी, ब्लैक थन भारी भरकम, चारों गांठ इसकी काली, पूंछ काली और चारों थन भी काले हैं जी, कान भी काले हैं। बहुत ही शानदार बछिया है, बछिया की लंबाई, कद काठी, हाइट जी। आज जितनी भी गाय आज गिर की आई है बराबर ऐसी ही गाय जोरदार अपने फार्म पे मिलती रहेंगी। ये काफ़ी भारी भरकम, काफ़ी हाइटदार, दूसरे बार में बच्चा करेगी, टाइम कितना? दूसरी बार बच्चा करेगी, टाइम जो है भैया अभी 15 दिन का समय ले लेगी। 15 दिन का समय लेगी क्योंकि गाय इस बार जोरदार है, तो इस बार रेट भी इनका गायों का जोरदार रहेगा जी। एक एक गाय का रेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन किसान भाई हमारे पास जो है वीडियो मंगा कर इसको देख कर रेट ले सकते हैं। इनका शानदार गाय है, पैसा लगाया है तो इसमें शानदार गायों में पैसा लगेगा। तो एक बार रेशियो बता दीजिए कितने? रेशियो जो है अभी लाख के ऊपर की गाय है, सारी लाख के ऊपर की। तो ये देखते हैं रेट इनका सारी गायों का लाख के ऊपर का है, आकर बातचीत करके गाय ले जा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी भारी भरकम गाय, दूध क्या उम्मीद करते हैं इसे? गाय जो है ये भी जो है अच्छा दूध करेगी जी, 14 लीटर दूध करेगी, 14 लीटर दूध कर देगी जी। तो ये देखते हैं आप लोग 14 लीटर दूध कर देगी ये भी आराम। ये देखिए प्योर लीलड़ी बच्ची है, प्योर लीलड़ी जी, फोटो खिंचा के। ये देखते हैं आप लोग अगली गाय, तो भैया इसकी क्या डेल है? ये भी लीलड़ी है भैया, लीलड़ी ये भी है जी। ये देखते ये भी लीलड़ी है भैया, बता काफ़ी बेहतरीन गाय। ब्यात में कौन सा इस बार? ब्यात में इस बार तीसरी है, तीसरे ब्यात में इस बार तीसरी बार बच्चा करेगी। टाइम कितना लगेगी बच्चा करने में? बच्चा करने में लगभग 15 दिन, लगभग 15 दिन का समय लगेगा जी। तो ये देख काफ़ी भारी भरकम, काफ़ी हाइट दर, थनों का गैप देख, काले थन की ये भी है जी, ये भी लीलड़ी। ये बहुत बेहतरीन गाय है अभी जी, सभी गुजरात से आई हुई है, टॉप क्वालिटी की गाय। ये देखते भारी भरकम गाय, ये देख दूध क्या उम्मीद करते हैं इसे? दूध भी 14-15 लीटर दूध करेगी, ये भी 14-15 लीटर दूध कर देगी जी। तो ये देखते ये तीसरे बात में इस बार ये लीलड़ी नस्ल की है ये जी, दूध 14 लीटर भैया बता रहे हैं आराम से कर देगी। ये देख तो ये देखते हैं आप लोग अगली बछिया, कुछ बछिया भी आई हैं बिक्री के लिए उपलब्ध है, अगर कोई लेना चाहे तो आ सकता है। 3 बछड़ियाँ हैं अपने पास, 3 बछड़ियाँ हैं, एक काबरी है, एक लाल है और एक दूसरी लाल। ये देख ये गल कबरी और ये पूरी कबरी है जी, और वो लाल। देख ले 3 बछड़ियाँ आई हुई, ये देख। तो ये देखते हैं आप लोग पहली बछड़ी, इसकी रेट ले भी है लगभग ये जो है 15-16 महीने की जो है बछड़ी है, और वो जो है 16-17 महीने की अभी बछड़ी है। ये देख और लगभग 13-14 महीने की अभी बछड़ी है। और ये अगली वाली कितने दिन की?
सब यही 15 से 20 महीने के बीच में, 20 महीने के बीच में जी। तो ये देखते हैं, 3 बछड़ियाँ आई हुई हैं, अगर कोई लेना चाहे तो आ सकता है। तीनों 15 से 20 माह के बीच की हैं, 14 से 15-20 तक हैं सभी। ये देखते हैं, काफ़ी बेहतरीन तीनों बछड़ियाँ हैं। ये देख खत्म कर। तो भैया कुछ इतनी का गिर गया बिक्री? हाँ, आज गिर उपलब्ध है अपने पास बिक्री के लिए। 2 लीलड़ी हैं, बाकी जो है सभी लाल कलर की हैं जी। और अभी कल शायद कुछ गाय और आ जाएंगी जी। बराबर जो है ऐसे गाय जो है गिर अपने पास आती रहेंगी। गिर के लिए हमारे किसान भाई जो है बराबर संपर्क करते रहे जी। किसान भाई बराबर गिर जो है अपने फार्म से यहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं जी। क्योंकि हमने जो है उनके रहने की जो है रुकने की व्यवस्थाएं जो है गाय उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बना ली है। ज़्यादा से ज़्यादा गाय अपने पास अब उपलब्ध रहेंगी गिर की जी। तो ये अगली लॉट कब तक आएगी? अगली लॉट अभी जो है कल परसों में फिर आ जाएगी, कल परसों और फिर 4-5 दिन बाद एक लॉट आ जाएगी। तो एक बार भैया अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर। हमारा एड्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक ब्लॉक पड़ता है गोसाईगंज। गोसाईगंज ब्लॉक से मात्र 300 मीटर की दूरी पे अपना फार्म पड़ता है जो कि यादव डेयरी फार्म के नाम से लोग इसे जानते हैं। इधर बोर्ड बैनर भी लगे हुए हैं, लोग इनके माध्यम से यहाँ पे जो है लोग क्षेत्र में भी जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। गोसाईगंज बस स्टॉप ब्लॉक के पास जैसे ही रोड टर्न हुआ है मोहलालगंज रोड से गोसाई सुल्तानपुर रोड से जैसे ही मोहलालगंज रोड की तरफ मुड़ेंगे तुरंत अपना जो है ये फार्म पड़ता है जी। तो आपकी मंगलवार को क्या उम्मीद है भैया? मंगलवार को लगभग जो है 35-40 गाय जो रहेगी क्रॉस ब्रीड और साहिवाल, बाकी गिर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेगी। तो चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको।